जम्मू कश्मीर सरकार और सेंटर के साथ मिलकर हम लोग कुछ श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं माइग्रेंट लेबर्स के लिए, जो हमारे जो देशवासी देश के विभिन्न जगहों पर फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए। इसी के तहत आज उधमपुर पे पहली जो ट्रेन है श्रमिक स्पेशल, जो कि बेंगलुरु के पास एक स्टेशन से चलकर कर्नाटका से जम्मू कश्मीर के लोगों को उधमपुर लाई है, ये आज पहुंची है। इसमें तकरीबन 1100 लोग हैं और इनको जम्मू में फूड और पानी का पूरा व्यवस्था प्रोवाइड की गई थी। और ऐसी एक और ट्रेन गोवा से भी चली हुई है, जो कि आज शाम हम एक्सपेक्ट करते हैं उधमपुर पहुँचने में। मैं आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूँगा कि सब लोग इसमें हमारी मदद करें। आप अपने घर वालों को, दोस्तों मित्रों यारों को लेने स्टेशन पर ना आएं, कृपया घर पर रहें। स्टेट गवर्नमेंट सबको इंश्योर कर रही है कि सब सेफ रहें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी है। उसके बाद हर तरीके से सभी लोगों को उनके घर पहुँचाया जा रहा है। इसी के तहत एक भारतीय रेल और सरकार ने ये डिसाइड किया है कि एक जम्मू और नई दिल्ली के बीच में स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो कि 13 तारीख को नई दिल्ली से शाम को चलकर सुबह अर्ली मॉर्निंग जम्मू पहुंचेगी, और जम्मू से वो शाम को चलकर नई दिल्ली अगले दिन सुबह पहुंचेगी। इसमें IRCTC पे ऑनलाइन टिकट्स बुक हो रही हैं। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप IRCTC की चाहे ऐप पे चाहे वेबसाइट पे आप टिकट्स बुक कर सकते हैं। सिर्फ जिनके पास कंफर्म टिकट्स होगी सिर्फ उन्हीं को स्टेशन आने दिया जाएगा। सर, IRCTC की जो ऐप है इसके ऊपर ID बनानी पड़ती है? हाँ जी, IRCTC की ऐप आप डाउनलोड करके उसमें आप पर्सनली अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली ये है कि आप मास्क वगैरह पहन के रखें। जिन्होंने ट्रैवल करना है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा लोगों को अपने साथ स्टेशन पे छोड़वाने के लिए ना लाएं। कम से कम लोग आएं, क्योंकि आपको एंट्री ज़्यादा नहीं दी जाएगी स्टेशन पे। सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जाएगा जिनके पास कंफर्म टिकट्स होंगी। ना RSC इशू होगी, ना वेटिंग लिस्ट इशू होगी। कोई भी टिकट प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पे नहीं बिकेगी। किसी भी यात्री को बिना टिकट के अलाउ नहीं किया जाएगा ट्रैवल करना। आप सबको यहाँ पे चेक किया जाएगा, सभी आने वाले यात्रियों को भी और जाने वाले यात्रियों को भी 100% सैम्पलिंग की जाएगी, ताकि जो ये COVID-19 की महामारी है ये ना फैले और लोग भी सुरक्षित अपने घरों में पहुंच सकें। थैंक यू।